हेलो टू माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द डिवाइन गाइडेंस विद एमएस। सो पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं कहाँ गायब थी, क्या था। आप लोग सोच रहे होंगे बड़े दिन से कोई वीडियो नहीं आई, इवन मैं आपकी वो मॉर्निंग की भी नहीं डाल पा रही थी जो मैं सबसे पहले 10:10 पर डालती हूँ, द गीता डेक से रोज़ का द गीता ज्ञान। द रीज़न इज़ आई हैड बीन ट्रैवलिंग अ लॉट। मैं बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैवल कर रही, एक तरीके से मैंने एक बनाया कि इस साल में मुझे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं जा पाई कुछ कुछ कह लो टेम्पल्स या कुछ स्पिरिचुअल जो अपना करना चाह रही हूँ उसमें कर पाई। तो मेरी एक छोटी सी ट्रिप थी, वो मतलब छोटी सी ट्रिप से थी, बहुत दूर मैं जा रहती हूँ वहाँ से, बहुत दूर थी, पर जस्ट 3 डेज़ में बहुत कुछ कवर करना था, ट्रैवल टाइम ही बहुत ज़्यादा था। तो जिस चीज़ एक्चुअली सोच कर नहीं गई थी, आपको मालूम होगा धर्मशाला मैक्लोडगंज में हिज होलीनेस दलाई लामा का टेंपल है, तो मैंने बस ये सोचा था कि टेंपल के दर्शन करूँगी, बट आई वॉज सो फॉर्चुनेट, या कह लो कि मेरे उसे वहाँ पे भी बाबा ही निकल रहा था हिज होली हाइनेस के लिए, तो क्या पता उन्होंने ही मुझे मतलब लाइक आई डोंट नो कि क्या मैं बोलूँ कि आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि मैं गई। तो सिर्फ ये था कि हाँ मुझे पता है कि वहाँ पे है, मैं टाइम निकाल पाई और मैं बस हो गया कैसे दैट आई वॉज एबल टू अटेंड हिज टीचिंग्स। वो वहाँ पे आए हुए थे 2 दिन एंड बहुत ही मुश्किल है, अगर आप जानते हैं जिन लोग भी, कि वहाँ पे ऐसे एंट्री नहीं मिलती, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मेरा पहला दिन वेस्ट हो गया, सेकेंड डे के लिए मैंने बहुत एफर्ट मारे एंड लकीली वो था गुरु पूर्णिमा का दिन विच इज़ 14th of June एंड आई वॉज सो ब्लेस्ड कि मुझे जहाँ पे बैठने की जगह मिली वहाँ उनके वो जो उनका एंट्री गेट है वहाँ से ही उन निकल के आते, बहुत ही नज़दीक से उनके दर्शन भी हुए। देन आई वॉज एबल टू अटेंड हिज टीचिंग्स ऑल्सो, जो वो देते हैं नॉलेज शेयर किया एंड मेरे थ्रू गाइज जो मैंने वहाँ पे पॉजिटिविटी फील किया वो मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को भी ब्लेसिंग्स उनकी देना चाहूँगी। एंड मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था गाइज, बट वो ट्रैवल बहुत ही मुश्किल था। फिर वापस आने के बाद हुआ यूँ कि शायद क्योंकि वो शायद 2-3 दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गए थे, मेरी आवाज़ बैठ गई थी। अभी भी आपको शायद थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा क्योंकि मुझे बहुत एफर्ट लग रहा है बोलने में भी, तो वो यही हुआ था कि आने के बाद मेरी आवाज़ ही नहीं थी। पहले तो वो ट्रैवल की वजह से मेरी पूरी बॉडी पता नहीं या तो कुछ रिएक्ट हो गया था, वहाँ का मौसम अलग था, सो बॉडी वॉज लिटिल स्वोलन, एक आधा दिन बुखार भी रहा ओवर एग्जर्शन की वजह से, ट्रैवल की वजह से, बट उसके बाद आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। सो 8-10 डेज़ हो गए उस चीज़ को भी, एंड प्लस फिर अभी बीच में मेरी सिस्टर के घर में एक डॉगी, 2 डॉगी हैं, पर उनमें से एक ब्राउनी स्वीट सी थी तो वो भी शी पास्ड अवे, तो उसके लिए भी थोड़ा सा सैड थी, तो मैं मूड में ही नहीं थी बाद में, तो मतलब बोलने के भी, तो इसीलिए सॉरी आई कुडंट गिव यू दीज वीडियोस, बट आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ ना कुछ हो जाती है सिचुएशन, बट रिमेन पॉजिटिव कि मैं बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आई हूँ वहाँ से, एंड आप को भी ये मैं अपने चैनल के थ्रू आपको भी ब्लेसिंग्स देती हूँ, ठीक है, हिज होली हाइनेस की। एंड बस ये एक मिरेकल ही था जो मेरे साथ हुआ है कि मैं उनको देख पाई इतने पास से, उनको फील कर पाई, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी जो हमेशा से ही मेरे मन में भी रहती है कि लाइक यू नो अगर ओल्ड लाइफ तक जीना है तो वो एक बहुत ही प्योर सी एनर्जी जो मैंने वो महसूस करी वहाँ पे, वो मैं भी रहूँ अगर ओल्ड लाइफ मतलब ओल्ड टाइम तक मैं हूँ अगर, ठीक है। चलो तो ये है आपकी आज की, सॉरी नॉट आज की, ये है आपकी वीकली रीडिंग है ये आपकी, ठीक है। सो मैं अभी कार्ड्स शफल कर रही हूँ, पहले मैं शफल करती हूँ सारा कार्ड्स ले आती हूँ यहाँ पे मैसेजेस, फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या है आपकी इस वीक के लिए। गाइस ये टाइमलेस है, जिस दिन भी आप क्लिक करेंगे उससे नेक्स्ट 7 to 10 days आई यूजली इससे कि एनर्जी रहती है, हो सकता है कि कुछ कुछ आपकी एनर्जीज ये पास्ट की भी आए इसमें, ठीक है। सो जस्ट सी बिकॉज इट इज़ टाइमलेस एंड बहुत सारे लोग देखते हैं तो थोड़ी बहुत एनर्जी होती है, हो सकता है आपके साथ ये हो चुका है या होने वाला है, ठीक है। सो इट इज़ लाइक आई वुड से दिस इज़ एनर्जी चेक इन होता है, ठीक है, गाइडेंस है ये गाइज यूनिवर्स की तरफ से, एंड सिंस आई हैव टेकन द नेम ऑफ हिज होलीनेस दलाई लामा जी, तो हो सकता है कि उधर से भी कोई मैसेजेस आए। ऑलराइट, चलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये वीडियो, बट दिस इज़ फॉर अ वीक सो यू कैन टेक इट एंड कीप इट ऑल्सो अलॉन्ग विद यू, और जब भी मन हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। वन मोर शफल आई वॉन्ट एंड इतने सारे कार्ड्स नहीं, एक आधा कार्ड लेना चाहूँगी, ये मेरे न्यू डेक है।
ओके, बहुत सारे कार्ड आए हैं बट ये जो ओपन हुए हैं मैं वो ही लूंगी, ठीक है। ओके, और आपके लव लाइफ के लिए भी लेंगे बिकॉज देर आर पीपल दोज हु वॉन्ट टू सी वॉट इज रोमांटिकली उनका ये वीक कैसे जाने वाला है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिकॉर्न स्पिरिट्स। ओके, वी हैव टू कार्ड्स फ्रॉम द योगिक पाथ। क्या गाइडेंस आएगी इस वीक के लिए, लेट्स सी। बाकी के टाइम गाइज आप देख सकते हैं, मैंने वो भी अपलोड करूँगी। अब मैं मॉर्निंग 10 पर फर्स्ट होता है मेरा, फर्स्ट है द भगवद गीता, ये इस डेक से, गीता डेक से पहला द गीता ज्ञान, उसके बाद श्री कृष्ण के भी मैसेजेस होते हैं, तो आप वो सब भी देखिए। शाम को भी या दिन में मैं डालती हूँ एंजल आंसर्स की तरफ से, वो देखिए आप, ठीक है। ये अगेन लव लाइफ के लिए है आपका। ओके, बहुत सारे कार्ड्स नहीं ले सकते हम, आई एम सॉरी। सो गिव मी टू कार्ड्स एंजल्स प्लीज, एंजल ऑफ लव प्लीज गिव अस टू कार्ड्स, ठीक है गाइस। तो आप वो भी देखिए, और इस वीक में वो भी डालूंगी आपकी एनर्जी चेक ऑफ पार्टनर, तो वो भी देखिएगा गाइस। आफ्टरनून के आसपास का टाइम रखूंगी मैं। तो ये 3 कार्ड्स आ गए इधर से, एंड फ्रॉम द कीपर्स ऑफ द लाइट डेक से लेंगे हम, और वो भी डालती हूँ गाइस। द स्पिरिट, होली स्पिरिट की तरफ से, आपकी द स्पिरिट गाइड्स की तरफ से भी मैसेजेस लूंगी मैं। ये हम ओके, आई बीन गाइडेड टू टेक 5 शफल करेंगे, 5 शफल में जितने भी कार्ड आ गए, तो 2 शफल्स आई हैव डन ऑलरेडी, सो 3rd शफल। और इसके बाद एक लास्ट है 4th शफल आ गया है। बहुत सारे कार्ड आए हैं, बहुत सारे कीपर्स, क्योंकि ये बहुत दिनों से भी मैंने नहीं किया था, तो हो सकता है बहुत सारे मैसेजेस आपको देना चाह रहे हैं। एंड 5th शफल हो गया, ठीक है। ऑलराइट, सो हो गए हैं हमारे कार्ड, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल टेक फ्रॉम द फेरीज ओरेकल कार्ड ऑल्सो, 1 मोर शफल। ओके गाइज, शफलिंग में ही बहुत सारा टाइम निकल गया, तो इफ़ यू वॉन्ट आप थोड़ा सा शफलिंग वाला स्किप भी कर सकते हैं पार्ट। अभी टाइम स्टैम्प डालना नहीं सीखा है गाइज मैंने, बिकॉज दिस इज नॉट, मैं ये दिस इज नॉट आई डू इट फॉर अ प्रोफेशन, ये मैं प्रोफेशनली नहीं करती हूँ। आई बीन गाइडेड टू डू इट, मुझे गाइडेंस दिया गया था कि दैट आई हैव टू टेक इट फ्रॉम लाइक व्हाइल आई वाज मेडिटेटिंग एंड ऑल, तो मैं अभी सीख ही रही हूँ। मुझे यूट्यूब वगैरह अभी ज़्यादा नहीं आता है चलाना, तो प्लीज़ बेयर विद मी, ठीक है। तो एक दूसरे से हम सीख रहे हैं, बस मैं एक तरीके से चैनल ही हूँ आपके मैसेजेस जो ईश्वर आपको देना चाह रहा है वो पहुँचाने के लिए आई हूँ आपके तरफ, ठीक है। ये भी कार्ड बिल्कुल ही न्यू है, तो हो सकता है कि मैं आपके लिए ये रीड करूँ। अभी डिटेल में मुझे इनको पढ़ने का नहीं मिला है मौका, सो यस, सो देखते हैं आपकी अभी कमिंग वीक में क्या एनर्जी रहने वाली है, ठीक है। प्रेयर, गॉसिप, पहले दिखा देती हूँ, प्रेयर, गॉसिप, परसिवरेंस, ग्रोथ, गिल्ट, सर्विस, पैशन एंड डेस्टिनी। ऑल राइट, हल्का सा अगर हम इसको ऊपर करें गाइस, एक सेकेंड इसको सेट कर। सो चलिए, मैंने ये अपना कार्ड होल्डर एक ये रख दिया इधर, ठीक है। सो आई डोंट नो अगर आपको ये दिख रहा है कि नहीं, पहले इधर रखते हैं कार्ड्स। सो गाइस, व्हाट आई एम गेटिंग इज कि आपको इस वीक में प्रेयर पे फोकस करना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आपको नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। सो यू नीड टू, पहले मैं ऐसे देख देती हूँ, ठीक है। प्रेयर पे फोकस करना है, गॉसिप हो रही है आपके आसपास, आई कैन सी अबाउट यू, उसको
आपने अवॉइड करना है, ठीक है? फोकस ऑन व्हाट यू बीन डूइंग इट, आप जो कर रहे हैं करते रहिए, परसिवरेंस आपका जो हार्डवर्क है आपका, कहते हैं ना कि जो आपने करते रहे आपका परसिवरेंस बोलते हैं गाइस हिंदी में, एग्जैक्टली कैसे समझाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं ये अगर वीडियोज ही बना रही हूँ तो ये मेरे को करते रहना है, करते रहना है, यानी कि बीच में छूट गया ऑब्वियसली, बट देर वॉज अ रीजन, बट करते रहना है, करते रहना, रिजल्ट की चिंता करे बिना आपका हार्डवर्क दिखेगा, ठीक है? ग्रोथ आएगी, परसिवरेंस रहेगा तो ग्रोथ होएगी, ठीक है? और किसी भी चीज़ का गिल्ट नहीं रखना है आपने, ठीक है? किसी ने आपके साथ गलत किया है, आप तो अच्छे थे ना, तो गिल्ट नहीं रखना कि आप उसके साथ अच्छे थे या यार आप उन लोग को समझ नहीं पाए या जो भी है। यू आर हियर टू गिव योर सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। पैशनेटली करिए, देखिए परसिवरेंस के नीचे ही आया है पैशन, पैशनेटली अपना काम करिए बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज देयर इन योर डेस्टिनी, और ये ग्रोथ के नीचे आया, तो आई कैन सी डेस्टिनी में आपके फ्यूचर में ग्रोथ है। यू कैन सी दैट आई लाइक यू नो, जैसे कहते हैं ना कि ग्रोथ ही है वहाँ पे, आई कैन सी दैट। सो आपने गॉसिप में नहीं घुसना है, अगर आपके लिए कोई कर रहा है तो करने दीजिए, आप अपना हार्डवर्क नहीं छोड़ेंगे गाइज, ठीक है? ये आपके लिए आया है निकल कर। दूसरा ये कार्ड लेते हैं हम, द चैरियट, अगेन फॉरवर्ड मूवमेंट, 8 नंबर, और ये हॉर्स है, देख सकते हैं आप स्टार। यस, मैं काम करती हूँ गाइज, इसको इधर लगा देती हूँ, थोड़े बहुत हो सकता है आपको कार्ड्स नहीं भी दिखे, बट क्योंकि कार्ड्स इतने सारे आए हैं सो वी हैव टू सी, ठीक है? गिल्ट, सर्विस कार्ड्स नहीं दिखेंगे बट आई होप आप मीनिंग आप देख लें और आप रिमाइंड भी करके दोबारा देख सकते हैं गाइस, ठीक है? सो अगला है चैरियट, इसका भी बता देती हूँ, द लवर्स नंबर 6, ब्यूटिफुल, फादर्स ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्स इसे कह लो, द मून, द स्टार, और मैंने यहाँ पे कहा था कि हॉर्स के गले में भी स्टार है, एंड द टावर। ओके, सो ऐसे ले रही हूँ मैं, आपका आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट जो था वो हो चुका है गाइस, ठीक है? अब यहाँ से आई कैन सी ग्रोथ, अगेन यहाँ पे ग्रोथ है, ठीक है? टू ऑफ ये आई वुड लाइक टू रीड द मून एंड द स्टार एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली ओके ओके वन सेकेंड, लेट मी जस्ट टेक आउट द मून, अगर आप मैं पॉज कर देती हूँ गाइज, इट विल बी ईजी, टाइम वेस्ट नहीं। ऑल राइट गाइज, सो फ्रॉम द पॉकेट द वाइल्ड अननोन पॉकेट टैरो, इसमें गाइज आपके सिर्फ एक कार्ड छोड़ के सारे ही मेजर आर्काना से आए हैं, सो दैट मीन्स दिस इज योर सोल पर्पज, या जो भी आपका मेन लाइफ पर्पज है वो वाला स्टेज आ चुका है आपकी लाइफ में, ठीक है? आई कैन सी टावर मोमेंट हो चुका है आपकी लाइफ में, जो आपका हो चुका है, जहां से फॉरवर्ड मोमेंट है द चैरियट का, ठीक है? एंड यहां से अगला मुझे जो ऐसे ही आई वुड से द लवर्स, लवर्स के बाद आई फील कि आपकी लाइफ में नॉट ओनली रोमांटिकली भी आगे इंक्लाइन होने वाली है, द फादर ऑफ वॉन्स, आई वुड रीड इट आउट फॉर यू, एंड इफ यू वॉन्ट मैं चैरियट यहाँ से भी पढ़ देती हूँ, चैरियट इज योर कॉन्फिडेंस, योर विल एंड योर इनर वॉरियर एट पॉइंट्स इन योर लाइफ। येस, जो मैंने बिल्कुल करेक्ट बोला है कि आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट था वो हो चुका है, वहाँ से आप गुजर चुके हैं, आगे मूवमेंट फॉरवर्ड है, बिना डरे आपको आगे बढ़ना है। लवर्स के कार्ड में आपको यही कहा जा रहा है कि देखो आपकी लाइफ में अब एक्सपेंशन होने वाली है, ठीक है? आपके डिवाइन पार्टनर आने वाला है लाइफ में, जो आपकी जो लाइफ पर्पज है उसमें आपको आगे फॉरवर्ड मूव कराएंगे, ठीक है? फादर ऑफ वॉन्स हैं करिज्मेटिक एंड क्रिएटिव, द फादर ऑफ वॉन्स इज अ मैन ऑफ मिस्टिक एंड करिज्मा, अदर्स आर ड्रॉन टू हिम नेचुरली एंड ही वेलकम्स देम विद एन ओपन एंड लविंग हार्ट, यूजुअली यू विल फाइंड हिम इन्वॉल्व इन अ हीलिंग आर्ट as he is deeply compassionate and in tune with the life and nature, he is able to hold it steady and still during the conflict. Guys, what I'm feeling is data our movement ho sakta hai aapki love life ka hua hai ya fir aapki overall life mein hua hai jahan se aap move forward kar chuke hain, and aapki life mein love life mein aage I can feel aa rahi hai growth. Jo ye insaan aane wala hai aapki life mein guys, wo bhi he'll be like a healer, aur jo aapki ki life nahi aapke sath इस डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ेगा, जो मैं पहले ही बोल चुकी थी कि डिवाइन आपका सोलमेट आने वाला है, ठीक है? द मून एंड द स्टार का भी बताती हूँ गाइस,
ये भी मेजर आर्काना है। तो आई फील कि अब ये जो आपकी लाइफ है ना, ये आप प्रॉपर कहते हैं ना कि अब यहाँ से आपकी डिवाइन जर्नी शुरू हो रही है, ठीक है। चलिए, सो मून वन सेकेंड, हाँ जी, सो विविड ड्रीम्स एंड फियर्स, आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको टू थॉट्स आएंगे, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके लिए पहली बार ऐसा होगा कि आपको आज तक ऐसा इंसान मिला भी नहीं होगा और ये नई स्टेज है आपकी लाइफ की, तो ये आपको डरना नहीं है। बिना डरे बस डिवाइन पे कहते हैं ना, छोड़ के सब कुछ आप करिए, ठीक है। एंड द स्टार कार्ड है होप, पीस ऑफ माइंड, होप and peace of mind. Standing outside on a dark night, you gaze at the stars and sense glimmers of wonders and hope. Even though you can't find the concrete answers to life, many questions. All right, so I got it. जो मैंने बोला है यही चीज़ है guys, कि आपकी लाइफ में अननोन कुछ आने वाला है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डर रहे हैं, बट ये जो भी इंसान आने वाले हैं आपके लाइफ के, ये डिवाइन पार्टनर ही है, हु इज हेयर टू हेल्प यू ऑन योर डिवाइन जर्नी, ठीक है। सो गाइज, आपका वो भी रिजॉल्व हो गया, अब ये भी चीज़ पता चल गई है कि यू जस्ट हैव टू बी रेडी, वो आने वाले हैं किसी भी टाइम, या आने वाली हैं डिवाइन सोलमेट, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट। फ्रॉम द योगिक पाथ लेट्स सी क्या आया है। राजस, यम्स एंड ब्रह्मा। ऑल राइट, सो गाइज, फ्रॉम द योगिक पाथ आपके लिए जो निकल कर आया है वो यही है कि आप कि अब द बेस्ट कहते हैं ना, द बेस्ट वर्जन में आने का टाइम आ चुका है, ठीक है। यू आर, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है, नाउ इज द टाइम व्हेन आपके सारे जो गुण हैं वो निकल के पूरी दुनिया में दिखने वाले हैं, दैट यू हैव बीन, मुझे यही फील हो रहा है, देख लीजिए शाइनिंग स्टार की तरह ये एनर्जी देखिए, ठीक है। हो सकता है इसका दूसरा मीनिंग भी है, पर जो मुझे इंट्यूटिवली अभी पिक हो रहा है वो यही हो रहा है, दैट आई कैन सी यू ग्रोइंग एंड शाइनिंग लाइक अ स्टार, शाइनिंग लाइक अ स्टार, बिकॉज यू हैव फॉलोड ऑल द यम एंड नियम, ठीक है। जो सबसे पहले ही स्टेप्स होते हैं योग में, यम फॉलो करना, यम एंड नियम, ठीक है। आप कर सकते हैं, अष्टांग योग में सबसे पहले ही आता है, एट लिम्स में से सबसे पहला ही यम है, तो आपने बहुत अच्छे से किया है, आई कैन सी दैट, एंड the universe divine is happy with you, so you are growing in that energy and that is why you are being blessed with your divine partner. ye blessings hai guys, theek hai. chaliye dekhte hain aapki love life ke liye, pehle ye wale cards le lete hain. i know ki aap log kafi din se love life ki bhi wait karte hain, love reading ki, to jin jo bhi interested hain unke liye hai. number 20 pehla card hi aa gaya guys, blossom. number 19 shine, 18 confront, 17 heal, 16 rebuild and number 21 embrace. guys ये तो ऐसा ही लग रहा है guys, मैंने आपके सामने shuffle की है, but I don't know ये कैसे एक series में आए हैं, so I can see, आप खुद ही देख लीजिए, 16, 17, 18, 19, 20 and 21 आपके सामने मैंने shuffle किए हैं, और बहुत टाइम लगा है शफल करके कार्ड्स निकालने में, तो यू कैन सी 16 से 21 तक, सो व्हाट इज इट गाइस, ग्रोथ. यहाँ पे क्या आया था, ग्रोथ है, कंफर्मेशन है गाइस, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, रीबिल्ड होने वाला है समथिंग, ठीक है. जो मैंने आपको कहा ना कि आप बिल्कुल एक नए पाथ पर हैं, आप रीबिल्ड हो रहे हैं, हीलिंग हुई है आपकी, हो रही है, कन्फ्रंट करना है आपने अपनी शैडो सेल्फ को, आपने कन्फ्रंट किया है, नाउ इज द टाइम टू शाइन गाइज. बहुत ही ब्यूटीफुल आपके कार्ड्स आए हैं, और ब्लॉसम भी है और एम्ब्रेस भी है, ठीक है. जस्ट एम्ब्रेस करिए इस नई एनर्जी को, डरना नहीं है गाइज. जो मून की एनर्जी निकल कर आई है वो एक फियर आई कैन सी कि आप डर रहे हैं, डरना नहीं है. बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है गाइज. ओवरऑल कैसे, मैं अभी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बट यही है गाइज, ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है. यू हैव डन अ लॉट. हो सकता है जब मैं अभी इस वीक में नहीं थी, आपने पीछे से बहुत अच्छा इनर वर्क किया है, जो मेरे को आपकी कार्ड्स में आपकी एनर्जी दिख रही है, ठीक है. हीलिंग भी हुई है आपकी. अब नाउ इज द टाइम टू जस्ट शाइन एंड एन्जॉय दिस ब्लॉसम एंड एम्ब्रेस करिए नया चेंज. आपको लग रहा है ये कैसे वियर्ड सी चीज़ें हैं, कैसे हो गया हमारे साथ, नहीं, बट यू हैव वर्कड हार्ड, परसिवरेंस रखी आपने, दैट इज वाई यू आर बींग ब्लेस्ड. अभी देखते हैं ट्रू लव ओरेकल कार्ड से. वाओ, लाइफ पर्पज, द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एंड लव. ऑलराइट, इसको ऐसे लेंगे.
आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी से अपने लाइफ पर्पस पे आ चुके हैं, ठीक है। बीच में बहुत सारी उथल पुथल हुई है, टावर आया था गाइस, सो वहां से आप इस एनर्जी में आए हैं। नाउ यू नो दैट व्हाट इज योर लाइफ पर्पस, इसीलिए यू आर बीइंग ब्लेस्ड विद लव, ठीक है। यूनिवर्स क्या है ये, लाइक व्हाट इज इट, क्या है क्या हम लोग, वी आर जस्ट लाइक लव, लव इज द आंसर टू एवरीथिंग। सो नाउ यू कैन सी आपने यहाँ पे अपने अंदर लव जो लाया है, लव कंपैशनेट, कंपैशनेट एनर्जी जो कहते हैं ना कि कितनी प्यारी एनर्जी है, जो लाइफ पर्पस के साथ अब आप जुड़ गए हैं, दैट इज वाई द होल यूनिवर्स इज सेंडिंग यू लव ओवरऑल आपकी लाइफ में। गाइज वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, प्लीज मेंटेन दैट। लेट्स सी यूनिकॉर्न्स क्या कह रहे हैं, फटाफट से पढ़ के बताऊंगी। नंबर 15, इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम, क्योंकि अब आप बिल्कुल एक शाइनिंग स्टार की तरह बाहर आ रहे हैं, सो यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। आप बिल्कुल राइट पाथ पर हैं गाइज। ब्रह्मा जी आए हैं तो अहम ब्रह्मस्मी, आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ चुके हैं, यहाँ पे भी आ चुका है, यू नो योर लाइफ पर्पस नाउ, सो नाउ यू वॉट एवर योर इंट्यूशन इज सेइंग गाइज। ये देख लीजिए मेरे मुझसे क्या निकला, अहम ब्रह्मस्मी, ब्रह्मांड के साथ जुड़ चुके हैं, देख लीजिए। ये भी एक तरीके से मुझे यही साइन दे रहा है, ब्रह्मा जी का, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स के साथ जुड़ गए हैं। सो वट एवर विजडम यू आर गोइंग टू गेट इट नाउ, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड फॉलो दैट इंट्यूशन, ठीक है। अगला मैसेज है नंबर 24, प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे, हो सकता है आपको किसी को कॉल करने को बोला जाए, या फिर अगर आप किसी दोस्त से नहीं तो गेट कनेक्टेड विद द डिवाइन, अपनी एंजल्स गॉड यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए मेडिटेशन के थ्रू। नंबर 15, ये भी 6 बना और ये भी 6, 24 इज ऑल्सो 6, ठीक है। हो सकता है किसी फ्रेंड का कॉल आए तो जरूर अटेंड करिए। और गाइस देख लीजिए यहाँ पे एक डॉग है, मुझे तो यही फील हो रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेरी कह लो ब्राउनी की डेथ हुई है, सो मैं आज बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, तो आई कैन फील दैट एनर्जी ऑल्सो अराउंड अस एंड शी इज़ ब्लेसिंग अस। तो हो सकता है आपको कोई फ्रेंड का भी कॉल आए, ठीक है। फ्रॉम द कीपर्स ऑफ द लाइट डेक, वाओ गाइज, इतने दिनों के बाद मैंने रीडिंग करी है, एंड जब श्री कृष्णा आ जाते हैं तो मुझे मेरा तो एटलीस्ट सवालों का जवाब क्लियर हो जाता है, दैट श्री कृष्णा इज saying that I am doing the right thing, ठीक है। श्री कृष्ण thank you, thank you, thank you, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally। तो ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं guidance है guys, ये आपके लिए भी आई है, और मैंने आपके सामने ही shuffle किया है, देख सकते हैं आप blessings, ठीक है। तो ये आपको भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपकी जो commitment है, देख लिए है वहाँ पे आया ना perseverance, तो you are being blessed, और आपसे पूरा यूनिवर्स बहुत प्यार करता है, श्री कृष्ण आपसे प्यार करते हैं। इफ यू डोंट लाइक, इफ यू आर फ्रॉम सम डिफरेंट रिलीजन, तो आपके जो भी डेटी हैं वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। मास्टर बुद्धा, वाओ गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस, दिस इज अ कॉन्फर्मेशन। मैंने बिगिनिंग में आपको बताया था, अगर आपने स्टार्टिंग भी सुना है वीडियो का, दैट रिसेंटली आई वेंट टू मैक्लोडगंज, जहाँ पे गई तो सिर्फ टेम्पल देखने थी, बट आई वहाँ जाकर मुझे पता चला कि दैट हिज होलीनेस दलाई लामा जी वॉज देयर, एंड मैंने पूरा एफर्ट मार के पूरी अच्छे तरीके से उनके वहाँ के रजिस्ट्रेशन कराए, एंड आई अटेंडेड द डे टू का, आई वॉज ब्लेस्ड टू अटेंड हिज टीचिंग्स का डे टू, एंड वो उस दिन था ट्यूजडे गुरु पूर्णिमा, और वो बुद्धिज़्म के गुरु हैं, अगर आपको पता है नहीं तो पता, तो लाइक वर्ल्ड लीडर ऑफ बुद्धिज़्म कह लो, या फिर मतलब लाइक आई वुड से लाइक अ बुद्धा, ठीक है। सो बुद्धा आए हैं, मास्टर बुद्धा, इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, तो ये मेरे लिए कॉन्फर्मेशन निकल के आ रही है गाइज, तो आपके लिए भी है ये कॉन्फर्मेशन कि हमें अपनी इंट्यूशन को सुनना है। यहाँ पे भी कहा है यूनिकॉर्न स्पिरिट्स ने भी, दैट लिसन टू योर इंट्यूशन। अगला कार्ड देखते हैं, लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, awaken to acceptance and divine love, give and receive balance, wow, beautiful cards guys, यहाँ पे क्या निकल के आए हैं, divine love, ठीक है, soul purpose, तो आपका heart awaken हो चुका है, हो रहा है, and वो कह रहे हैं कि आपको divine love मिलने वाला है, but accept रखिए, acceptance रखिए, acceptance रखना है आपको, ठीक है। Freya, phases and cycle, this, there is a beginning within every ending, illusions are revealed and released, so कोई ना कोई जो tower moment आया था, ending हुई थी आपकी life में, उसके बाद new beginning होनी ही थी, ठीक है, ये confirmation है।
और बहुत सी सारे आपके मेजर अरकानाज आए थे, तो वो अब आप लाइफ पर्पस पे आ चुके हैं। लाइफ पर्पस का भी आपके इधर कार्ड आ चुका था गाइस, सो आई एम नॉट सेइंग इट, ये मैसेजेस आपके लिए आए हैं, आपके सामने ही शफल किया है। सेंट जर्मेन कह रहे हैं अगला मैसेज है कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो आपकी कार्मिक क्लेंजिंग चल रही है, हो गई है, ऑलमोस्ट आई कैन फील इट इज डन। तो जो फालतू की ड्रामाबाजी से बाहर आ जाइए, आप राइट पाथ पर हैं, श्री कृष्णा इज देयर, बुद्धा इज देयर, मास्टर बुद्धा इज देयर। सो बस व्हाट डू आई से, आई लव रीडिंग फॉर यू गाइस, और मुझे ही बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, इसको बार 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 सुनिए, लंबी लग रही होगी रीडिंग, बट इट्स ओके, बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं आपके लिए। ठीक है, द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल ओकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। तो जैसे मेरी लाइफ में अभी रिसेंट मिरेकल हुआ दैट मैं लिविंग बुद्धा से मिली हूँ, सो आपकी लाइफ में भी मिरेकल्स होने वाले हैं। ठीक है, मुझे उसके बाद अभी आगे कुछ नहीं पता क्या है, क्या होना है, बट आई एम ब्लेस्ड दैट आई रिसीव द ब्लेसिंग्स एंड आई एम एबल टू शेयर इट विद यू एंड यू कैन सी द रिजल्ट। ठीक है, अगला मैसेज है आर्क एंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। आर्क एंजल्स भी आ गए, आर्क एंजल माइकल भी आ गए हैं, वो भी आपको यही कह रहे हैं कि एंजल्स आर विद यू सब, तो आपको बस ट्रस्ट करना है। ठीक है, कृष्णा ने बता दिया है, आर्क एंजल माइकल ने बता दिया है, बुद्धा ने बता दिया है, एंड लॉट्स ऑफ अदर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स हमारे एंड सिस्टर्स ने भी बताया। चलिए लास्ट है, फ्रॉम द फेरीज ओरेकल लेंगे, बिलीव इन मैजिक गाइज, यहाँ क्या है, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, बिलीव इन मैजिक कह रही है फेरीज, ओपन योर आईज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर, द फेरी ऑफ द नॉर्दर्न लाइट से यू आर पार्ट ऑफ द नेचर, You are so magical too. तो believe करिए that you can create magic. You are the creator of your life. Believe करिए and देख लीजिए magic कर सकते हैं आप खुद की life में। अगला message है fairies कह रही हैं hidden depth. Something hidden is about to come to light. Perhaps a secret or a memory at the back of your mind. When we expose what hidden, we can become free. तो कुछ ऐसा था जो अभी तक आपसे छुपा हुआ था, कोई answers थे आप जो ढूंढ रहे थे, वो अब आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, और आपको फिर अच्छा फील होगा, रिलीज फील होगा। अगला मैसेज है प्रोटेक्शन, द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट, साइकिक प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। तो आपको हमेशा प्रोटेक्शन मिल रही है एंड यू नीड टू बिफोर यू डू एनी साइकिक थिंग्स, जैसे मैं रीडिंग से पहले प्रेयर करती हूँ, रीडिंग क्लोज करके भी प्रेयर करती हूँ, सो दैट वेज आपको भी अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर करनी है एंड यू नीड टू कॉल योर गाइड्स। एंड लास्ट मैसेज है विश वाइजली, यूज योर विशेज वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिजायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप टूवर्ड्स मेकिंग योर डिसीजंस कमिंग ड्रीम्स कमिंग ट्रू। सो जो भी आप विश करेंगे वाइजली विश करिए। ठीक है, अपने ही ग्रोथ के लिए नहीं, ह्यूमैनिटी की ग्रोथ के लिए आपको करना है जो भी विश करना है, कि दैट यू नो वट एवर यू आर गेटिंग इट शुड बी गुड फॉर यू एज वेल एज द सोसाइटी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, बहुत ही ब्यूटिफुल रीडिंग आई है एंड ये एक आधे घंटे की हो गई है, बट देन आई एम सो 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 ग्रेटफुल। एंड गाइज ये बेल मैं इंक्लूड करूंगी, ये मैं लाई हूँ वहीं से बिल्कुल आउटसाइड द टेम्पल से, ये वैसे तो हैंगिंग के लिए है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था दैट इसका साउंड बड़ा प्यारा है, तो मैं ये बजाया भी करूंगी। एंड थ्री बेल्स सिंगिंग बोल से भी बजाऊंगी आपके लिए, ब्रीद इन and exhale, one more time, breathe in and exhale, and last time inhale, as you exhale release all the energies, tension, negative things, whatever there is, just release and let go. थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग हेयर। प्लीज इस रीडिंग को बार 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 सुनिए, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है एंड इसको आगे की लाइफ के लिए ये सोचिए, बस नाउ यू आर रेडी, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, और शेयर भी करिए, किसी को जरूरत हो इस रीडिंग की तो प्लीज शेयर करिए। ठीक है, मुझे नहीं अच्छा लगता लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलना बार बार, आई एम श्योर अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप खुद ही कर देंगे। और प्लीज ये शेयर इसलिए बोलती हूँ, यू नेवर नो किसको जरूरत है ये सुनने की, सो जस्ट शेयर, आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं कहाँ तक पहुंची ये वीडियो।
जिसको जरूरत हो. ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल.